स्टूडेंट्स, क्लास फोर आज इंग्लिश लिटरेचर की एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर फोर द मैजिक वर्ड्स, ये चैप्टर हम आपको शुरू किए थे, ये पूरा नहीं हो पाया था तो आज हम लोग पूरा करेंगे इसको। इस चैप्टर में क्या था, एक दादाजी, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है जो अपनी पोती को अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी एक कजिन थी जिसका नाम था इरू, वो उसे किस तरह से सपनों की कहानियाँ सुनाया करती थी, सपनों की राजमहल, सपनों की राजा, उनके बारे में कहानी सुनाया करती थी और उनको जबरदस्ती उनको उस वो सारी चीज़ें विश्वास करने पर मजबूर कर देती थी। ओके, और वो छोटी सी उनकी पोती का नाम क्या था, उसका नाम था कुसमी। कुसमी अपनी दादाजी से वो सारी कहानी सुनती थी और उसे बड़ी मज़ा आता था और वो बार बार वही सब कहानी को अपनी दादाजी से सुनना चाहती थी। और उसके दादाजी उसको कैसे कहानी सुनाते हैं, देखो हमने आधा आप लोगों को सुनाया था और रिवाइज कर दिया, अब आगे का सुनते हैं। आई वुड ऑफन प्लीड विद इरू, टेल मी वेयर द पैलेस इज। उनकी दादाजी की जो कजिन थी इरू, वो उनको बार बार एक राजमहल और राजा की कहानी सुनाया करती थी जिसके बारे में वो बार बार पूछते थे कि बताओ मुझे ये कहाँ महल, राजमहल कहाँ पर है, लेकिन वो उसे बिल्कुल बताती नहीं थी। He would open wide his eyes and tell me that it was right there in the house. और वो उसको बिलीव कराती थी, विश्वास कराने की कोशिश करती थी कि वो इसी घर में है, देखो इसी घर में है। और वो पूछते थे कि दिखाओ, अगर इस घर में है तो मुझे दिखाओ कि वो कहाँ पर है। लेकिन इरू क्या कहती थी, इरू कहती थी कि तुम जब तक मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्द नहीं जान लोगे तो तुमको वो राजमहल दिखाई नहीं देगा। इस पर वो उसके हाथ पैर जोड़ते बोलते थे कि बताओ ना प्लीज़, मुझे मैजिक वर्ड सिखा दो जिससे कि मैं वो राजमहल देख सकूँ, लेकिन वो दिखाती नहीं थी। सी वुड रिफ्यूज, इट इज़ फॉरबिडन टू टेल देम टू एनीवन। वो मना करती थी और बोलती थी किसी को मत बोलो ये सारी कहानियाँ, किसी को मत बोलो। वाई, व्हाट विल हैपन इफ यू टेल मी, आई वुड आस्क हर। और वो पूछती थी अपनी कजिन से, अगर मैं किसी को बोल, अगर तुम मुझे बोल दोगे वो मैजिक वर्ड्स के बारे में तो क्या हो जाएगा। बट शी वुड ओनली गैस, ओह गुडनेस मी, लेकिन वो बताती नहीं थी बिल्कुल। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट वुड हैपन इफ शी टोल्ड मी द मैजिक वर्ड्स, बट हर एटीट्यूड मेड मी शट अप। वो किसी भी हालत में मुझे वो मैजिक वर्ड्स बताना नहीं चाहती थी और उसकी एटीट्यूड जो थी, उसका बर्ताव जो था, वो मुझे बड़ी इरिटेट करता था, बहुत मैं एकदम परेशान हो जाता था कि मैं क्यों नहीं बताती हैं मुझे वो वर्ड्स। वन डे आई डिसाइडेड टू फॉलो हर टू फाइंड आउट अबाउट द पैलेस, बट शी सीम्ड टू गो देयर ओनली व्हाइल आई वाज एट स्कूल। एक दिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि जब वो वहाँ पर जाएगी तो मैं उसका पीछा करूँगा और देखूँगा कि वो कहाँ जाती है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं स्कूल चला गया तब वो चले गए वहाँ पे। आई आस्क्ड हर वंस व्हाई शी कुडंट गो टू दैट पैलेस एट एनी अदर टाइम, बट शी ओनली सेड ओह गुडनेस मी। एक दिन मैंने पूछा उससे कि जब मैं घर पे रहता हूँ या किसी और टाइम पे तुम उस पैलेस में क्यों नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। आफ्टर दैट आई वॉज टू स्केयर्ड टू आस्क हर एनी मोर, उसके बाद इतनी बार बोलने के बाद मैं डरने लगा इन सब बारे में उससे पूछने पर। वन डे व्हेन आई हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल शी ब्लटर्ड आउट यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे। एक दिन क्या हुआ, जब मैं स्कूल से वापस आया वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और ऐसे एकदम हकचका के हमको बोली कि तुम विश्वास नहीं करोगे आज क्या हुआ। What I asked her all excited, मैं तो बिल्कुल excited हो गया, हैरान होकर मैं पूछने लगा कि बोलो क्या हुआ। And she only replied, I shall not tell you. बस उसके बाद वो अपना वर्ताव फिर से शुरू कर दी, वो अपना attitude दिखा कर बोले हम तुमको नहीं बोलेंगे। I suppose it was the best that way. I never got to know what happened,
so I could go on dreaming about the king's palace and its fantastic tales. मैंने फिर उससे पूछा भी नहीं उस बारे में और मैं उन किंग्स पैलेस उस राजा के महल और राजा के बारे में सपने देखने लगा उस फैंटेसी लैंड के बारे में, उस काल्पनिक सारी चीजों के बारे में मैं सपने देखने लगा. She would go off to the hurry scurry fields while I was sleeping. जब मैं सो जाता था तो वो उस जगह पर, उस मैदान में, उस जगह पर चली जाती थी. I winged horse grazed in the meadows there and took away anyone who came there up into the clouds. When Iru told me this, I clapped my hands with joy and said, "What fun that must be!" वो क्या कहती थी? वो उसे कहानी सुनाती थी कि एक घोड़ा जो है मैदान में चर रहा होता है और अप इनटू द क्लाउड्स मतलब बादलों में. When Iru told me this, I clapped my hands with joy and said, "What fun that must be!" जब इरु ये सारी कहानियाँ मुझे सुनाती थी तो मैं खुशी के मारे अपनी ताली बजाता था और मन ही मन सोचता था कि कितना मजेदार होता होगा ये सारी चीज सब, है ना. बट शी रिप्लाई सॉलमनली, "Fun indeed, oh goodness, goodness me." लेकिन वो बड़ी धीरे से जवाब देती थी कि क्या मजा लग रहा है, क्या पता. शी हैड इवन सीन फेयरीज अमोंग द थिक रूट्स ऑफ द ओल्ड बनियन ट्री. उसे तो बरगद की जो टहनियाँ निकलती हैं मतलब रूट्स निकलते हैं बरगद की पेड़ों में से, ऊपर में से जड़ निकलती है, देखे हो ना आप लोग. तो ईरु को उन जड़ों में से परियां देखती थी, वो उन जड़ों में परियों को देख लेती थी और हमें कहानी सुनाती थी. ओके स्टूडेंट, आज भी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें इसे पार्ट वाइज पढ़ना है. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोग रीडिंग करो जैसे मैंने समझाया है. नेक्स्ट डे बाकी का पढ़ाऊंगी. ओके, बाय बाय.